आरोग्य जागृति। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना, इसका लाभ लाखों लाभार्थी हर साल उठाते हैं और इसको लेकर ही काफी विवाद अस्पताल के साथ होते हैं। दोस्तों, हमें समझना बेहद जरूरी है कि अस्पताल और जीवनदायी योजना ये दोनों अलग अलग है। महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना के प्रतिनिधि सरकार द्वारा अस्पताल में आपकी सेवा के लिए रखे गए हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तभी वो आरोग्य मित्र यानी जीवनदायी योजना के प्रतिनिधि आपको जानकारी देते हैं कि ये योजना किस तरह काम करती है, इस आरोग्य बीमा का लाभ आप कैसे उठा सकते हो। हम उनकी कही बातों को समझ पाते नहीं या फिर वो आपको ठीक से समझाते नहीं, यही विवाद का कारण होता है। मानो जैसे 1.5 लाख का बीमा सरकार ने आपको दिया, इस 1.5 लाख में आप वो इलाज कर सकते हो जो इस जीवनदायी योजना में निश्चित किया है। और दूसरी बात, ये बीमा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये 1.5 लाख रुपए का बीमा पूरे परिवार के लिए है। मानो परिवार के किसी एक सदस्य ने इस योजना के अंतर्गत अपना इलाज कराया है तो फिर उसी परिवार का दूसरा व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा नहीं सकता है। यही कारण है डॉक्टर और मरीजों के परिजनों के बीच विवाद होता है। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी। और सरकार द्वारा अस्पताल को दिए गए गाइडलाइंस में भी काफी खामियां हैं, ये भी एक कारण है विवाद का। वीडियो अंत तक देखें। आरोग्य जागृति में आज हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले अंतर्गत योजना के ऊपर। महात्मा ज्योतिबा फुले अंतर्गत योजना के जो गलत फहमियाँ है, सविस्तर जो बात करेंगे हम डॉक्टर हिमांशु गुप्ता सर से, ये हमें पूरी जानकारी देंगे। योजना क्या होती है, कैसा लेना चाहिए, बिलिंग का सिस्टम क्या रहता है, ये योजना लेने के लिए क्या करना पड़ता है। आरोग्य जागृति के सभी श्रोताओं को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना महाराष्ट्र शासन द्वारा दी गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी योजना है और इसका आम जनता के लिए बहुत बड़ा फायदा है, बेनिफिट है। लेकिन ये सही बात है कि कहीं ना कहीं हम एक ट्रांसपेरेंसी मिस करते हैं या हम एक सही तरीके से इस योजना के लाभ जनता तक स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं कुछ संवाद अधूरा है। मैं जानकारी देना चाहूँगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना किसी व्यक्ति विशेष का इंश्योरेंस नहीं करती है, यह एक परिवार का फ्लोटर पद्धति पर किया गया इंश्योरेंस है जिसमें 1,50,000 रुपये तक का इंश्योरेंस एक परिवार का होता है। फ्लोटर पद्धति में यदि एक व्यक्ति ने पूरे 1.5 लाख रुपए का लाभ ले लिया तो बाकी के लोगों को नहीं मिलेगा, और यदि सभी ने मिलकर 1.5 लाख रुपए का लाभ ले लिया तो योजना के अंतर्गत जो लाभ देने की सीमा है वह पूरी हो जाती है। पिछले 1-2 वर्षों से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भी इससे जोड़कर रखा गया है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उन बीमारियों के लिए कार्यरत है जहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना में इंश्योरेंस पूरा हो जाता है किंतु उसका लाभ प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के माध्यम से उसी बीमारी के लिए या और जटिल समस्याओं के लिए उपलब्ध है। दोनों ही योजनाओं में एक समझ जो आम आदमी की है वह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि यह एक इंश्योरेंस स्कीम है और हर इंश्योरेंस स्कीम में जब तक इंश्योरेंस कंपनी अप्रूवल नहीं देती है हॉस्पिटल उपचार नहीं कर सकता। हॉस्पिटल यह दोनों ही योजनाओं को अपने प्रांगण में, अपने कैंपस में डिस्प्ले करता है
जिससे कि आने वाले हर व्यक्ति को ये दिखे कि यह हॉस्पिटल जीवनदायी आरोग्य योजनाओं का लाभ देता है। और इसके बाद जो सर्वप्रथम किसी भी रोगी को इस योजना का लाभ लेने के लिए कार्य करना पड़ता है वह महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना कक्ष में जाकर वहां पर सरकार की ओर से नियुक्त आरोग्य मित्र से संपर्क करके जिस प्रकार की उसकी बीमारी है उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन अपना पंजीकरण करता है। और आरोग्य मित्र रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उस रोगी को मेडिकल कोऑर्डिनेटर उस हॉस्पिटल के मेडिकल कोऑर्डिनेटर के पास भेजता है और आगे का उपचार प्रारंभ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार के रोगों का उपचार इस योजना में होता है। लगभग 970 ऐसे रोग जिन्हें जटिल माना गया है उन्हीं का समावेश इस महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना के माध्यम से दिया जाता है। यदि मैं साधारण भाषा में कहूँ, जहाँ पर आपके जीवन को खतरा है ऐसे सभी स्वास्थ्य संबंधी विकारों और बीमारियों का उपचार जीवनदायी आरोग्य योजना में समावेश रखा गया है। एक बार आरोग्य मित्र के पास व्यक्ति पहुंच गया तो आरोग्य मित्र उसको लगने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करता है, जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका राशन कार्ड है, और यह सत्यापित करता है कि आप इस योजना के बेनिफिशियरी हैं। और वहां पर वह एक जिम्मेदारी का कार्य करने के लिए नियुक्त है कि उसको बताना चाहिए कि इस योजना के अंतर्गत आपको क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कई बार ऐसा देखने में आया है कि उस स्तर पे आरोग्य मित्र स्पष्टता के साथ रोगी को या रोगी के संबंधियों को यह नहीं बताते हैं कि इस योजना के माध्यम से जो बीमा उपलब्ध है उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। सरकार हमें किसी भी प्रकार से अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग पैसा नहीं देती है। हर बीमारी के लिए एक पैकेज निर्धारित किया गया है और उस पैकेज में क्या क्या देना है वह भी निर्धारित किया गया है, और उस पैकेज के अधीन एक व्यक्ति एक बीमारी के लिए कितने दिन हॉस्पिटल में रहना चाहिए यह भी निर्धारित किया गया है, और उसके बाद कितने दिन तक उसका फॉलोअप रहेगा इस बात का भी पुख्ता इंतजाम इस योजना में किया गया है। लेकिन यदि रोगी को या उसके संबंधियों को रजिस्ट्रेशन के समय पर यह स्पष्ट नहीं किया जाएगा कि इस योजना में किस प्रकार के लाभ सुरक्षित हैं, तो निश्चित है रोगी और उसके संबंधियों के मन में ये भ्रांति उपलब्ध बनती है कि शायद हॉस्पिटल अलग तरह से हमसे पैसा लेने के लिए कार्य कर रहा है। ऐसा वास्तविकता में 98% केसेस में नहीं होता है। 1-2% केसेस में जहां पर रोगी ने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए हैं और रोगी को ETI की फैसिलिटी नहीं मिल पाई है, वहां पर हॉस्पिटल पैसा भरवा कर उनका प्राथमिक उपचार करने के लिए आग्रह करता है, और यदि वह उससे नहीं मानते हैं तो प्राथमिक उपचार देने के बाद रोगी को स्वयं का निर्णय लेने के लिए कहा जाता है। यह कहना कि बिना पैसे दिए हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट नहीं देते हैं यह कहीं ना कहीं सही नहीं है। यदि 100 में से एक हॉस्पिटल ऐसा करता है या कर चुका है तो इसका पूरा जिम्मेदारी या इसका पूरा दोष बाकी के 99 हॉस्पिटल्स पर नहीं आना चाहिए। हो सकता है वह हॉस्पिटल जीवनदायी आरोग्य योजना के लिए एम्पैनल्ड ही ना हो, तो उसका अधिकार है। यदि वह जीवनदायी आरोग्य योजना के लिए एम्पैनल्ड है तो वह ऐसा काम नहीं करेगा, इसकी मुझे पूरी खातरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उपचार के दौरान क्या होता है और उपचार के बाद डिस्चार्ज के समय क्या होता है। उपचार के दौरान भी हमसे कई बार डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं यह निश्चित करने के लिए
कि जिस पैकेज में उपचार किया जा रहा है उससे संबंधित जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है क्या वो मैच हो रहा है कि नहीं। ऑपरेशन के दौरान फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, वह भी योजना के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली हमें सबमिट करने होते हैं, और उसके बाद प्रोसीजर कंप्लीट होने पर जब हम डिस्चार्ज की बात करते हैं तो भी हमें सभी डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करके डिस्चार्ज क्लोज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल अपनी मर्जी से बिना किसी प्रोटोकॉल को फॉलो किए हुए उपचार कर सकते हैं, यह एक गलत विचार है, गलत धारणा है, जिसे हमें कहीं ना कहीं बदलना होगा। बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि पेशेंट को जब एडमिट करते हैं उस टाइम में उसे जीवनदायी के बारे में मालूम नहीं होता है। हम बताते हैं उपचार के दौरान उसका हो जाता है, वो बताया हमें जीवनदायी में ट्रीटमेंट लेना है, ऐसे वक्त में प्राथमिक जो उपचार दिया है उसका एडमिशन कैंसिल करके जीवनदायी में लेने के लिए क्या प्रोसीजर होती है? जीवनदायी आरोग्य योजना का सबसे पहला आधार है कि उसका बेनिफिशियरी होना आवश्यक है, उसके पास राशन कार्ड होना आवश्यक है, उसके पास पहचान पत्र होना आवश्यक है, और उसका रजिस्ट्रेशन जीवनदायी आरोग्य योजना में होना आवश्यक है। यदि उसने हॉस्पिटल में एडमिट होते समय नहीं लिया है तो वह अगले 48 घंटे में उस चीज़ को पुख्ता करके अपना उपचार जीवनदायी आरोग्य योजना में कराने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका उपचार 7 दिन 10 दिन कराने के बाद में 11वें दिन कहते हैं कि अब हमें जीवनदायी आरोग्य योजना चाहिए, यह संभव नहीं है। और यदि ऐसा करना है तो आपको जो 7-10 दिन का खर्चा आप कर चुके हैं वह आपको हॉस्पिटल को भुगतान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल ने एडमिशन के समय पर आपसे कंसेंट ली हुई है और उस कंसेंट में आपने लिखा है कि आपको जीवनदायी आरोग्य योजना के अंतर्गत उपचार नहीं लेना है। यदि बाद में आपका मन बना है तो उसके लिए आपको पहले हॉस्पिटल में पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेंगी और आपका पंजीकरण जीवनदायी आरोग्य योजना में कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम किसी प्रकार से उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात एक और भी आती है कि क्या हॉस्पिटल जानबूझकर पंजीकरण रोकते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई भी हॉस्पिटल आते हुए पेशेंट को जीवनदायी आरोग्य कक्ष में जाने से नहीं रोकता है, उसकी स्वतंत्र व्यवस्था है। जगह जगह पर बैनर्स, जगह जगह पर पोस्टर्स, जगह जगह पर डायरेक्शंस लगाए रहते हैं हर उस हॉस्पिटल में जो जीवनदायी आरोग्य योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, एम्पैनल्ड है, और वहाँ व्यवस्था है। आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं, और उन सभी सुविधाओं के साथ में फिर मेडिकल कोऑर्डिनेटर रेस्पेक्टिव डॉक्टर के पास से आपका ट्रीटमेंट कराने का पूरा जिम्मा लेता है। जब तक आरोग्य मित्र से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होकर हॉस्पिटल के साइड नहीं आता है तब तक हॉस्पिटल उस रोगी का उपचार नहीं प्रारंभ कर सकता है। इमरजेंसी सिचुएशंस में ETI का प्रावधान है और उसमें भी यह बहुत क्लियर है कि यदि डॉक्यूमेंटेशन ETI को प्रूव नहीं कर पाते हैं, रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हॉस्पिटल स्वतंत्र है अपने सुविधाओं के बदले में जो भी हॉस्पिटल के चार्जेस हैं वह ले सकता है। कहने का मतलब क्या है, जब तक अप्रूवल योजना के अधीन नहीं होता है तब तक इस योजना में उपचार संभव नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे उपचार हैं जो इस योजना के अधीन नहीं होते हैं लेकिन उसकी क्लैरिटी आम जनता को नहीं है, आम रोगी को नहीं है। यही मेरा निवेदन है। ऐसा नहीं है कि यह योजना हॉस्पिटल्स में चलाने के समय हॉस्पिटल का रेजिस्टेंस है, हॉस्पिटल सहयोग की भावना से इस योजना को चलाने चाहते हैं। छोटी छोटी त्रुटियां हैं जिसके लिए हमने समय समय पर जीवनदायी आरोग्य योजना के CEO से मुलाकात की है। पिछले दिनों हमने महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मुलाकात की है और हमने उन्हें अवगत कराया है कि हॉस्पिटल का पक्ष भी बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि अंततः यह सुविधा पेशेंट और हॉस्पिटल के
एक होने पर ही अच्छे से चल सकती है। यह एक बहुत अच्छी योजना है, लेकिन यदि हम इसको इसके बारे में समुचित संदेश पेशेंट को और उनके रिलेटिव्स को समय पर नहीं देंगे तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, एक भरोसा खत्म होता है और ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल का पक्ष मात्र पैसे लेने के लिए रह गया है। ऐसा नहीं है, सभी हॉस्पिटल सभी डॉक्टर्स रोगियों को सुविधा देने के लिए काम कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत जो पैकेजेस हैं उसमें किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ उसको इंक्लूड किया गया है, यानी कितने रुपए तक दवाइयाँ देनी हैं, कितने रुपए तक खर्चा करना है, ऐसा कोई प्राविधान अलग अलग नहीं किया गया है। ये एक पैकेज है, बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं जो आज भी हॉस्पिटल्स को सूट नहीं होते हैं। आज 10 वर्ष हो चुके हैं इस योजना को प्रारंभ होकर, लेकिन 10 वर्ष में एक भी पैकेज का एक रुपया भी अभी तक रिवाइज नहीं हुआ है। अतः हॉस्पिटल्स का सहयोग कितना बड़ा है यह समझना बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हर छोटी मोटी गलत फहमी के लिए हॉस्पिटल को दोषी रखें। महात्मा ज्योतिबा फुले योजना खासगी रुग्णालय काफ़ी अच्छी तरह चला रहे हैं, लेकिन अभी कुछ हॉस्पिटल की निरुत्साह बताते हैं कि हम ये योजना चलाने के लिए थोड़ा असमर्थता बताते हैं। सरकार को हॉस्पिटल का पक्ष समझना रहेगा, हॉस्पिटल्स के जो खर्चे हैं, हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ काम करता है उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, लगने वाला रिसोर्स है, ये दिन व दिन महंगा होता जा रहा है। और यदि हम पिछले 15 महीने की बात करें तो जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने आगे आकर सरकार को हर कदम पर सहयोग दिया है, यह कहना बिल्कुल ही अनुचित होगा कि हॉस्पिटल्स इस योजना को चलाना नहीं चाहते हैं। हॉस्पिटल्स चाहते हैं यह योजना इसके बेनिफिशरीज को, इसके लाभार्थियों को संपूर्ण रूप से सहयोग कर सके, लेकिन इसके लिए सरकार को हॉस्पिटल का पक्ष समझना अति आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार को, स्टेट हेल्थ एश्योरेंस सोसाइटी को, हॉस्पिटल के साइड को भी समझना आवश्यक है। हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, वहाँ पर जिम्मेदारी जिस तरह से सरकार ने आरोग्य मित्र को दी है, यदि वह पूरी नहीं होती है तो इसका ठीकरा हॉस्पिटल्स पर नहीं पड़ा जाना चाहिए। यदि समय पर अप्रूवल नहीं आता है और कुछ गलत हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल्स पर नहीं आनी चाहिए। यदि कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो रिसोर्स मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, वह तो अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उसकी वजह से कोई व्यवधान आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल्स की नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि संवाद सही समय पर होना चाहिए। कोविड के समय पर हमने देखा कि हमें सरकार की तरफ से दो अलग अलग आदेश आए। एक आदेश आया कोविड शुरू होते ही, जो सरकार ने एक GR के रूप में निकाला, जिसमें लिखा था कि आप ऐसा ऐसा उपचार कीजिए और 80% बेड्स हमारे लिए रिजर्व कर लीजिए। उस समय पर जीवनदायी आरोग्य योजना की ओर से कोई क्लैरिटी नहीं थी कि कौन सा पैकेज किसके लिए देना है, किस प्रकार से किन सिम्टम्स को कैसा कौन से पैकेज में रख के करना है। शुरुआत के दिनों में हर कोई परेशान था, लाभार्थी भी परेशान थे, तो हॉस्पिटल के सामने भी क्वेश्चन मार्क्स थे। धीरे धीरे उनको दूर किया गया, लेकिन अंततः उन्हीं चीज़ों को लेकर आज हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट में कार्रवाई हो रही है। उनको नोटिस जा रहे हैं, उनसे पैसा वापस करने की बात की जा रही है, जबकि ऐसा कहीं पर भी किसी कोर्ट ने नहीं कहा है और कहीं पर भी ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं। यही हमारा कहना है सरकार से कि इस योजना को और पुख्ता बनाने के लिए सरकार की ओर से स्टेट हेल्थ एश्योरेंस सोसाइटी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य मंत्री, हॉस्पिटल की ओर से हॉस्पिटल रिप्रेजेंटेटिव्स, और भी अच्छा रहेगा कि यदि हम पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें जोड़ें और एक दूसरे को समझें कि इस योजना को किस तरह से
और अच्छा किया जा सकता है। यदि हम कुछ भी सामने बात रखना चाहते हैं तो वो हमारी ओर से सुझाव है, निर्णय लेने वाली सरकार है, एटलीस्ट हमारे सुझावों को तो माना जाए। कितने सुझाव मानने हैं और उनका क्या निर्णय लेना है ये तो सरकार का अधिकार है, लेकिन यदि कोई हमारे सुझावों को भी नहीं सुनेगा तो फिर हमने हॉस्पिटल्स की ओर से किससे बात करना। और यही कारण है कि हॉस्पिटल्स की कोई बात जब नहीं मानी जाती है, उनको मिलने वाली रकम सही समय पर नहीं मिलती है, ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल बराबर से नहीं होता है, आने वाला पैसा सही समय पर नहीं मिलता है, तो निश्चित है कि कोई भी हॉस्पिटल उत्साह छोड़ देगा। ये एक विन विन बनाने का काम होना चाहिए। विन विन जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे, कोई भी योजना सुचारू रूप से लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं हो सकती। अभी हाल ही में बहुत चर्चा हो रही है कि आपके कोविड के जो बिल है वापस दिया जाएगा। कुछ हॉस्पिटल का मानना ये है कि हमारे पुराने बिल जो पेशेंट को हमने जीवनदायी के अंदर ट्रीटमेंट दिया है वही बिल नहीं मिले हैं। अभी ये बिल कौन से बेस पे बताया गया सरकार ने कि ये बिल वापस किया जाए और कितना सही है? जहाँ तक मैं इस पर जानकारी रखना चाहूँगा वो बहुत स्पष्ट है। हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच से एक निर्णय हुआ है जिसमें सरकार को यह जानकारी मांगी गई है कि क्या वजह रही कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को उपचार देरी से मिला या पैसे देकर मिला। हॉस्पिटल्स से आपने क्या जवाब मांगा है उसका ब्यौरा दीजिए। हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच ने ऐसा कोई निर्णय स्पष्ट रूप से नहीं दिया है जिसमें ये कहा गया हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ओर से जिन रोगियों का उपचार हो चुका है उनका पैसा वापस किया जाए। ऐसा कोई भी निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, ये हमारे निर्देशन में भी आया है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वरिष्ठ अधिकारी हॉस्पिटल्स को नोटिस दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको ये पैसा वापस देना पड़ेगा। ये भी कह रहे हैं कि आपने उस समय पे 80% रोगियों को जीवनदायी आरोग्य योजना में उपचार क्यों नहीं दिया। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 21 मई और 31 अगस्त 2020 में एक जीआर के माध्यम से हर प्राइवेट हॉस्पिटल का 80% बेड रिजर्व कर लिया, यानी कि हम सरकार के अनुसार ही उपचार दे रहे हैं। उस अध्यादेश में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको जीवनदायी आरोग्य योजना के अंतर्गत उपचार देना पड़ेगा। तो आज यह कहना कि आपने उपचार क्यों नहीं दिया यह तार्किकता के आधार पर निरस्त हो जाता है। पैसा वापस करना, हमने कौन सा पैसा वापस करना? हमने सरकार द्वारा दिए गए ढांचे के अनुकूल ही पैसे लिए हैं। यह दोनों ही जीआर में एनेक्सर सी जिसमें ब्यौरा दिया हुआ है, आइसोलेशन वार्ड ₹4,000, आइसोलेशन आईसीयू विद वेंटिलेटर ₹9,000, आइसोलेशन आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर ₹7,500। ये जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है हमने वही पैसे लिए हैं। इसमें बहुत सारी चीजों का समावेश है। उन सबको करते हुए यदि आज हमें पैसा वापस करने के लिए कहा जा रहा है तो कौन से आधार पर कहा जा रहा है? हमने कौन सा गलत पैसा लिया है जो आज हम उसको वापस करेंगे? हमारे औरंगाबाद के क्षेत्र में हर हॉस्पिटल में सरकार की ओर से एक लेखाकार अपॉइंट किया गया है, ऑडिटर अपॉइंट किया गया है। हर पेशेंट का बिल वो चेक करते हैं, यदि उसमें पैसा ज़्यादा लगता है तो वो तो बिलिंग के समय पर ही कम कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम सरकार के ऑडिटेड बिल के अनुकूल ही पैसा ले रहे हैं, तो अब हम कौन सा पैसा वापस करेंगे? और ऐसा कोई आदेश कहीं से आया नहीं है। दूसरा, इसको और तर्क देने के लिए जीवनदायी आरोग्य योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना ने
जो भी निर्णय लाया वह जुलाई में लाया। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, जीवनदायी आरोग्य योजना 25% हॉस्पिटल बेड्स के लिए रिजर्व्ड है। यानी कि यदि मेरा 100 बेड का हॉस्पिटल है तो मैं 25% बेड जीवनदायी आरोग्य योजना के लिए सुरक्षित रखूंगा, 80% बेड गवर्नमेंट के लिए और 25% बेड जीवनदायी आरोग्य योजना के लिए, तो 105% बेड तो नहीं होने वाले। यानी कि कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन है जो हमने हॉस्पिटल्स ने नहीं क्रिएट किया है, तो आज हम उसके लिए जवाबदार नहीं हो सकते। यह हमारा कहना सरकार से भी है, आम जनता से भी है, कि हॉस्पिटल किसी भी प्रकार से इस कोविड काल में आपके साथ खड़े होने के लिए थे, आपका उपचार देने के लिए थे, किसी भी प्रकार के कोई भेदभाव करने के लिए नहीं थे और आपके हक को छीनने के लिए नहीं थे। आज दुख होता है कि छोटी छोटी गलत फहमियों की वजह से समाज और हॉस्पिटल इनमें कहीं ना कहीं एक गलत फहमी बन रही है और टकराव की स्थिति पैदा हो रही है जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। हमारा निवेदन है सरकार से, शासन से, प्रशासन से, कि कृपया स्पष्टता के साथ ये सब चीज़ें आम जनता को पता होनी चाहिए, जिससे हम हॉस्पिटल के सभी लोग, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एक नए विश्वास के साथ अपने उन सभी देशवासियों की सेवा कर सकें जिसके लिए हम आज भी उपलब्ध हैं और सदैव उपलब्ध रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छी हमें दर्शकों को जो गलत फहमियाँ है, जो चर्चा हो रही है, उसके बारे में आपने जो जानकारी दी है। सरकार को भी कुछ इसमें लगता है तो इसमें हॉस्पिटल का पक्ष लेकर इस निर्णय को वापस ले या फिर कुछ रास्ता बनाए। धन्यवाद।